टीआरपी घोटाले में हमने चश्मदीद से बात की, जिसने रिपब्लिक टीवी के झूठ का पर्दाफाश किया। चश्मदीद ने माना कि उसे इंडिया टुडे नहीं बल्कि रिपब्लिक टीवी की तरफ से बार बार चैनल देखने के लिए फोन आ रहा था। हाँ तेजल जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ इंडिया टुडे से। हाँ बोलिए सर। ये आपका हमने अभी फोनो सुना, आपको हमारे तरफ से किसी ने कॉन्टेक्ट किया था क्या कभी? नहीं सर। तो आप शांति से सोच के बताइए, फिर आपने उसमें ये बोला कि आपको आपके बच्चों को किसी ने कांटेक्ट किया था। वो मुझे कुछ रिपब्लिक से फोन आया था और हाँ। उसमें बार बार फोन कर रहे थे 10 बजे के बाद कि फोन आया था, फोन कर रहे थे मुझे, ये चैनल आ रहा है, देखो आप देखो, ऐसे बार बार मुझे बोल रहे थे, पर मेरे में सब्सक्राइब ही नहीं है। आप कह रही थी आपके पास इंडिया टुडे सब्सक्राइब नहीं है? नहीं है सर। अच्छा, तो आपको किसी ने कुछ पैसे दिए हैं आपके बच्चों को किसी कोई चैनल देखने के लिए, इंडिया टुडे या किसी को, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कभी किसी ने भी नहीं बोला है। आपको अगर चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज सकती हूँ अभी। आपके आपने इंडिया टुडे को आप इंडिया टुडे देखे ऐसा करके आपको कभी किसी ने फोन नहीं किया, ये आपका कहना है? हाँ। इससे पहले भी कभी नहीं किया या अभी कभी नहीं किया? नहीं, इससे पहले भी कभी नहीं किया उसने। कभी नहीं किया? अभी भी नहीं। नहीं, ये विशाल नाम का कोई आदमी आपको कभी फोन करता था क्या? सर विशाल तो ये क्या बैरोमीटर वाले आते थे ना, वो बैरोमीटर वाले विशाल आ रहा था, वो विशाल का कोई आ नहीं रहा था। अच्छा, उसका फोन कुछ भी फोन नहीं आ रहा था। लेकिन कोई चैनल देखने के लिए उसने कभी आपको नहीं बताया? नहीं बताया सर। अच्छा, तो फिर रिपब्लिक को जो आपने दिया है वो आपको फोन कर रहे थे इसके लिए आपने बताया, ये आपका कहना है? इंडिया टुडे बोल रहे थे सर, वो मुझे बता रहे थे कि मुझे लगा कि ये इंग्लिश चैनल हो गए थे सर, ऐसा लगा कि बच्चे लोग देख रहे होंगे, तो मैंने बोला कि हाँ बच्चे लोग देखते होंगे, ऐसा ही बोला था फिर मैंने। अच्छा अच्छा, लेकिन आपको कभी इंडिया टुडे से कभी किसी चीज कि आप फोन करो, आप चैनल देखो, इसके हाँ? लिए पैसे देने के लिए आपको इंडिया टुडे की तरफ से या विशाल की तरफ से कभी नहीं कहा गया? नहीं नहीं।